उत्तराखंड के तमाम इलाकों में लगातार बारिश ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहाड़ों के दरकने से जगह जगह भूस्खलन भी बढ़ गया है और सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड की 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलकनंदा उफान पर है श्रीनगर में। चमोली की बात करें तो यहाँ पर भी अलकनंदा मंदाकिनी उफान पर है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और धारचूला बागेश्वर में सैलाब से दहशत है। कर्णप्रयाग की बात करें, जोशीमठ की बात करें तो भूस्खलन के चलते जो पहाड़ी रास्ते हैं वहाँ पर बाधा आ रही है और अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर भी आसमानी आफत भी है और जो नाले हैं उसमें उफान है और सड़कें भी नालों में तब्दील हो गई। यहां आसमान से जैसे आफत बरस रही है, पहाड़ों पर जैसे जल प्रलय, नदियां जैसे समंदर हो गई, हर जगह पानी ही पानी। पहाड़ों पर लगातार और भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, जिधर निकल पड़ती हैं तांडव मचाते आगे बढ़ती हैं। जो भी सामने आया उसकी आगोश में समाता चला गया। हर बार अपनी ही लकीर लांघने की ललक इन्हें और धारदार बना देती है। ये ऋषिकेश से गंगा के उफान की तस्वीरें, तेज धार और आवाज सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लगातार बारिश के चलते खतरे के निशान को लांघती अब गंगा विकराल रूप धारण कर चुकी है। घाट पूरी तरह गंगा में समा गए। तस्वीरों में लक्ष्मण झूला को भी देखा जा सकता है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। यह हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश के कारण यहां गौला नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे गौला बैराज के सभी गेट खोलकर 3800 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। यह हरिद्वार में उफनती हुई गंगा है जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ गंगा नदी की धारा सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू। तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। ये पिथौरागढ़ की तस्वीर है। यहाँ मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते वो तांडव मचा रही है। मुनस्यारी तहसील और बंगापानी तहसील में वो अपने सामने आने वाली हर चीज को मानो धराशायी करती जा रही है। लगातार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पिथौरागढ़ टनकपुर 125 पर भूस्खलन की तस्वीरें भी डराती हैं। यहाँ पहाड़ से मलबा ऐसे गिर रहा है मानो कोई झरना है। ये पौड़ी से आई तस्वीर है जहाँ लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके डूब चुके हैं, घाट जलमग्न हो गए हैं और SDRF की टीम अलर्ट पर है। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, दोनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहां लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लें, पानी की धारा इतनी तेज है कि पल भर में वो कहां बहा ले जाए पता नहीं, लेकिन लोग लकड़ी के कच्चे पुल के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। यहाँ कई जगह भूस्खलन से सड़कें भी बाधित हुई हैं। ये जोशीमठ में रैणी गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ ऋषिगंगा नदी उफान पर है, नदी की तेज धारा को देखा जा सकता है। बावजूद इसके वैली ब्रिज बचाने के लिए BRO युद्धस्तर पर काम कर रहा है, JCB मशीन लगाए गए हैं। दरअसल यहाँ बारिश के बाद
गांव में मकान दरक रहे हैं और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बारिश के कारण और मलबा गिरने से यहां गाड़ियां भी फंसी हैं, जबकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ से नीचे मलबा गिरने से आवाजाही बाधित हुई है। पहाड़ों पर बारिश के चलते टिहरी से भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां टिहरी गढ़वाल में ब्यासी के पास नेशनल हाईवे 58 ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा और कुछ ही पल में पूरी सड़क मलबे से भर गई। बहरहाल पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण नदियां तांडव मचा रही हैं और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं ऋषिकेश की। बरसाती नाले में कार फंस गई। चीला मार्ग पर पड़ने वाली बरसाती नदी में ये कार फंसी, देखिए। और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार को बाहर निकाला। तो ऋषिकेश में बरसाती नाला है और वहीं पर चीला मार्ग पर ये कार फंस गई। गनीमत की बात ये थी कि आसपास लोग थे और सभी ने मिलकर ताकत लगाई और कार को बाहर निकाला जा सका। पहाड़ों पर भारी बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं और उसका साइड इफेक्ट भी अब दिखना शुरू हो गया। इधर केदारनाथ धाम में दूधगंगा नदी पर पैदल आवाजाही के लिए बनाया गया वैकल्पिक पुल से पानी गुजर रहा है। ऐसे में मजदूर जान को जोखिम में डालकर पुल की नदी को आर पार कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल है, यहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। और स्थिति इतनी भयंकर है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देखिए क्या स्थितियाँ हैं, जो लोग गए हैं वो किस मुसीबत में फंस सकते हैं। पैदल यात्रा मार्ग के कई स्थानों पर नामोनिशान तक मिट गया। बारिश से केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। केदारनाथ धाम से मंदाकिनी सहित सहायक नदियां उफान पर बह रही हैं और धाम में दूध गंगा नदी पर बनाया गया अस्थायी लकड़ी का पैदल पुल भी खतरे में आ गया है। पैदल पुल तक नदी का तेज प्रवाह पहुंच गया है, बावजूद इसके मजदूर इसी पुल से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। यूपी में बारिश और सैलाब का सितम जारी है। पहाड़ पर बारिश के चलते मैदान में भी नदियां उफान पर है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। बहराइच में सरयू नदी उफान पर है, जिससे कटान तेज हो गया है। वहीं श्रावस्ती की बात करें तो राप्ती नदी रौद्र रूप दिखा रही है। सोनभद्र में नदी उफान पर है। वहीं महाराजगंज के लक्ष्मीपुर गाँव में बाढ़ का पानी आने से पुलिस चौकी जलमग्न हो गई, जिससे यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी भर गया है और अस्पताल तालाब में तब्दील हो गए। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बहराइच में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सैलाब की वजह से कटान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सोनभद्र में लवा नदी उफान पर है। श्रावस्ती में राप्ती रौद्र रूप दिखा रही है और महाराजगंज और लखीमपुर की बात करें तो यहाँ पर जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव से भारी दिक्कतें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नदियों के तट पर जो गांव हैं उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया है, अस्तित्व खतरा आ गया है, क्योंकि जल का बहाव इतना तेज है कि कटान बढ़ गया है और ऐसे में उनके खेत खलिहान मकान कभी भी नामोनिशान से खत्म हो सकते हैं। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है और कटान की समस्या बहुत ज्यादा है, तेज कटान हो रही है। ऐसे में लोगों के साथ ही साथ प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि मुसीबत से कैसे बचाया जाए। हालांकि जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत लोगों को दी जा सके दे दी जाए। कानपुर में देखिए गंगा उफान पर है, बिजनौर में भी जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है और रोहिन नदी उफान पर है गोरखपुर में, और सड़कों पर कटान भी यहां पर शुरू हो गई। यूपी के मैदानी इलाकों में भी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यहां पर गंगा, सरयू, राप्ती, रोहिन और तमाम नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे रह रहे लोग दहशत में।
मैदानों में भी नदियां उफान पर, कहीं गंगा नदी का तांडव तो कहीं राप्ती और रोहिन का रौद्र रूप, तो कहीं शारदा नदी का स्थितम। पहाड़ों पर बारिश के चलते मैदानों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिधर नजर जाएगी पानी ही पानी, मानो समंदर। ये कानपुर में गंगा का गुस्सा है। लगातार बारिश से गंगा उफान पर है। जलस्तर 110 मीटर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते पानी के कारण गंगा बैराज के 8 गेट खोलने पड़े हैं। नदी की धारा ने विकराल रूप धारण कर रखा है। इस बीच हरिद्वार से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी कानपुर पहुंचने के बाद खतरा और बढ़ गया है। ये बिजनौर में गंगा का तांडव है। हरिद्वार से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी कहर बरपा रही है। किनारे बसे गांव डूब गए हैं या फिर उनके डूबने का खतरा है। नदी का पानी गांव और सड़कों तक पहुंच गया है। यहां जंगल में पानी में फंसे 30 मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का इंतजाम कर रही है। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां शारदा नदी उफान पर है, जिससे यहां सैकड़ों गांव पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारे बसे लोगों को हटने की अपील की जा रही है। नदी का विस्तार इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं छोर भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं गोरखपुर में राप्ती और रोहिन नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यहां रोहिन खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे कैंपियरगंज तहसील के क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और नदी का पानी सड़कों के किनारे मिट्टी कटान कर रहा है, जिससे सड़कों के धंसने का खतरा बढ़ गया। बहरहाल मैदानों में गंगा से लेकर शारदा, राप्ती, रोहिन, सरयू और तमाम नदियां उफान पर है और सैलाब का सितम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर उन्नाव से है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान यहां पर भी शुरू हो गया है। 1 साल पहले कटान रोक के लिए जियो बैग लगाए गए थे, लेकिन उनका भी कटाव शुरू हो गया है, वो बैग फट गए हैं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी सिंचाई विभाग ने ये जियो बैग सही नहीं कराए और उसका अब असर दिखना शुरू हो गया है। कटान शुरू होने से शुक्लागंज के कई मोहल्ले के लोग दहशत में हैं। जियो बैग जल्द ही सही न कराए गए तो कई मकान इस कटान की जद में आ सकते हैं। तो नाव में जो प्रशासनिक तेजी और इंतजाम दिखने चाहिए थे वो नहीं दिखे और अब उसका नुकसान शुरू हो गया है। संभल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो नगर पालिका के दावों की पोल खोल रहा है। दरअसल संभल के कोतवाली चंदौसी में पूरी कोतवाली बरसात के पानी से डूब गई। कोतवाली के हवालात में भी पानी का जल भरा हो गया है और इसी पानी में पुलिसकर्मी ड्यूटी करने को मजबूर है। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस ने वीडियो बनाकर पालिका के इंतजामों की पोल खोल दी। और यूपी की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। यूपी भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के बाद प्रदेश संगठन में एक प्रदेश उपाध्यक्ष और 2 प्रदेश मंत्री के नाम घोषित किए गए हैं। पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा यानी के शर्मा को भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अर्चना शर्मा और अमित वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो संगठन में 3 नए चेहरे पदाधिकारी के तौर पर शामिल किए गए हैं। पहला चेहरा है एके शर्मा का, जो कि एमएलसी भी हैं और उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अर्चना शर्मा और अमित वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो वीआरएस लिया था एके शर्मा ने, भाजपा के विधान परिषद के सदस्य और पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यूपी के मऊ के रहने वाले एके शर्मा और कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही बड़ी जिम्मेदारी, वाराणसी समेत पूर्वांचल के नोडल अधिकारी बने थे कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए।
वाराणसी मॉडल की पीएम ने तारीफ भी की थी कई मंचों से, और एके शर्मा को अब प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी एके शर्मा को दी गई है। एके शर्मा को यूपी भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, 10 जो बड़ी बातें बता रहे हैं। एके शर्मा को यूपी भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनके साथ काम किया, भाजपा के विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रांशु दत्त द्विवेदी को यह मोर्चा, गीता शाह के राज्यसभा सांसद को महिला मोर्चा, कामेश्वर सिंह को किसान मोर्चा, नरेंद्र कश्यप पूर्व सांसद को पिछड़ा वर्ग मोर्चा दिया है। वहीं कौशल किशोर सांसद को अनुसूचित जाति मोर्चा, संजय गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है। तो संगठन के स्तर पर नई जिम्मेदारियां बांटी गई। और चलिए सीधे रुक करते हैं चंडीगढ़ का। एथलीट मिल्खा सिंह को आज देश अंतिम विदाई दे रहा है और इस वक्त पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके सामने। हिस्सा बन जाएगी और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ सतीश चौहान, चंडीगढ़। आज कई दिनों से, यानी कहेंगे 30 दिनों की लंबी लड़ाई जो है उन्होंने कोरोना से लड़ी। तो कोरोना पॉजिटिव थे मिल्खा सिंह और देखिए उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। कल देर रात मिल्खा सिंह का निधन हो गया, कोरोना पॉजिटिव थे। और संयोग देखिए कि 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी इलाज के दौरान निधन हुआ था और कल मिल्खा सिंह ने भी अंतिम सांस ली। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर देश की शान और खेल के मैदान के शहंशाह मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा है।